सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई लोगों, आज हम दोबारा खेलेंगे पबजी मोबाइल लाइट। हाँ जी, आपने ठीक सुना, आज हम दोबारा खेलेंगे पबजी मोबाइल लाइट। तो यार, यहाँ पर मैं थर्ड उतर रखा हूँ और यहाँ पर बंदे ही बंदे दिख रहे हैं मुझे। तो मेरे भैया यानी कि हमारे रैंडम प्लेयर ने मुझे थर्ड हिल पर उतार दिया है और अब मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ झोला लेके। झोला मुझे मिल चुका है। तो यार, यहाँ पर किस्मत ही अच्छी और क्या ही बोलूँ मैं। मुझे लगा सामने बंदे की टोपी दिख रही है, पर वो कुछ और ही था। तो यार, AKM मिल चुकी है, भाग्य मतलब खुल चुके हैं, अब तो बंदों को मारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बंदा बड़े जोश के साथ सीधे लाल घर में भाग रहा होता है। तो मैंने भी पीछा करने के लिए उसके बराबर वाली बिल्डिंग में घुस जाता हूँ। तो यार, इस बिल्डिंग के ऊपर बंदा है ये तो मुझे पता है, पर मेरी जाते हुए फट रही होती है। तो यार, आखिरकार जोश बना के मैं घुस ही जाता हूँ। तो भाग देख देखना कैसी फाइट होती है। भैया हमारे हीलिंग पे हीलिंग पे लेंगे, पर आखिरकार हमें इनका किल मिल जाएगा। तो भाग देखना क्या होता है। पता नहीं कौन सा नशा करके आए थे भाई। अबे ऊपर बंदा, नीचे बंदा बैठे डैमेज दे रहा है, और अब देखना क्या होगा। तो यार, भैया हमारे हीलिंग पे ले जा रहे थे, तो हमने इन्हें कर दिया है नॉक। और इनके सहपाठी भैया भी आ चुके हैं इन्हें रिवाइव देने के लिए। तो यार, यहाँ पर मुझे डर लगने लगता है कि हर दो तीन बंदे आ रहे हैं, पेटी ना बन जाए अपनी। तो यार, मैं पीछे से कूदता हूँ और ये भैया देखना क्या कर रहे होते। भैया क्या रिवाइव देने में लगा ही पड़ा है। और यहाँ पर यार, मैं इधर घूम के आ जाता हूँ। मन का यार, अब देखते हैं और भी बंदे। और यार, इनका एक भैया, ये भी देखो। आए तो भैया बड़ी जोश में थे, पर भैया के होश उड़ गए। तीनों की पेटी बना चुकी है पूरी। भाई मज़ा ही आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना। इतने आराम से भाई तीन बंदे मार दिए। अच्छी लगी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यार, यहाँ पर सस्ती सी गने मिल जाती हैं, AKM और एक स्कारल। तो यार, तीसरे बंदे की जब पेटी लूटता हूँ तब आगे देखना क्या होता है। मैं भागता हूँ आगे। तो यार, सामने से फायरिंग की आवाज़ आती है, और अब देखना आगे क्या होगा। यार, मैं भागते हुए जाता हूँ अपने दो नंबर भाई के पास, क्योंकि उन पर किसी ने अटैक कर दिया होता है। तो यार, मैं भी देखता हूँ कि यार कौन अटैक कर रहा है, और अब आगे देखना उस बंदे से कैसी फाइट होती है। बंदा भाई वो भी उनकी तरह हीलिंग पे ले जा रहा था, और उसके साथ देखना भाई क्या फनी मोमेंट होंगे। मैं सोच रहा था भाई हमारा हिल उल रहा है। तो यार, अब देखना इससे कैसे ही फाइट होती है। तो यार, मैं देख लेता हूँ इधर उधर, तो सामने ही बंदा आगे बैठा होता है। तो अब देखना क्या होगा। तो भाई, मैं अंदर घुस जाऊँगा और बंदा भाई हीलिंग पे ही जाएगा। अंदर आके बैठ जाता हूँ, तब भी ये बंदा भाई हीलिंग पे ही जा रहा। अब क्या करेगा। help me पर थोड़ी सी अपने भाई भाई की मजाक उड़ाते हुए। और यहाँ पर भाई हम अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। तो यार, मैं सोच रहा था पेटी ब्राउन, मैंने भी टाइम दिया। मैंने कहा यार, हो सकता है इनके बंदा आ जाए, किल मिल जाए, पर देखना भाई क्या होगा। जब यार कोई नहीं आया, तो मैंने मुक्कों की बरसात कर दी। तो मैंने भी कहा यार, हाथ भी बड़े ठंड हो रही है, तो हाथ थोड़े गर्म कर लिए जाएँ। तो यार, यहाँ पर हाथापाई चल जाती है और पेन से बंदे को मार दिया जाता है। तो यार, AKM इनके पास तो भर भर के एमो थी। तो यार, हमारे तो आ गए मज़े। तो अब आगे देखना बंदों से कैसी फाइट होगी। और भाई, ऐसी सेफ जगह पर उतरूँगा बॉस भाई आगे होंगे वो पाते हैं। तो अब देखना आगे क्या होता है। यहाँ पर सामने यार एक बंदा स्कार 98
तोड़ रहा होता है, तोड़ रहा होता है, तोड़ रहा होता है। तो अब आगे देखना उन्हें कैसे पेला जाएगा, उनकी कैसी पेटी बनाई जाएगी, और उनकी पेटी इतनी खास तरीके से बनाई जाएगी, मलमल वाली पेटियों में उनकी पेटी सिली जाएगी, उन्हें पेटी बनाई जाएगी उनकी, और फिर उसमें लगाया जाएगा हरा धुआं। तो यहाँ पर मैं यार पानी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और सामने एक बंदा जो कि M416 चला रहा होता है। तो यार अब इन्हें भी पेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यार अब ये रास्ते में आ चुके हैं और अब हम पीछे आ चुके हैं। तो अब भाई देखना इस बंदे का किल कैसे ले लूँगा मैं। देख लो भैया, किल ले लिया मैंने। भाई ये तो पाव भाजी खाने जा रहा था, पक्की बात है। तो यहाँ पर यार बंदों को पेलने के बाद सामने से बॉट भाई आ जाते हैं, फोकट का किल यानी। तो यार फोकट के किल तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो भैया यार आ जाया करा करो आजकल। और ये सामने बंदा भाई पता नहीं क्या ही सोच रहा था, मैं उड़ जाऊँगा उड़ जाऊँगा। भाई इतनी ऊपर से कूदता है ना ये बंदा, तो अब देखना ये इनविजिबल हो जाता है। तो यार आगे पता नहीं क्या ही होता है, अब देखना इसे कैसे मर जाएगा। ये बंदा सोच रहा था कि यार मैं कान, मेरे पास कान 98 है तो मैं सबको मार दूंगा। तो यार ऐसा थोड़ी होता है, जिसके पास कान 98 होती है वो सबको थोड़ी मार सकता है। ऐसा तो किसी के पास AWM है कि तो वो भी थोड़ी किसी को मार सकता है, कोई ना कोई तो उसे मार ही सकता है। तो यहाँ पर इन भैया को हम बतरा डैमेज देने की कोशिश करते हैं, पर ये बंदा मरता नहीं है, और सामने से इनके टीममेट भैया हम पे गोली बरसानी चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी फटकी भाई को देने के बाद अब आगे देखना क्या होता है। तो यहाँ पर यार मैंने सोचा यार M16A4 को टेस्ट कर लिया जाए। तो पहले मैं सोचता हूँ यार किसको मारूँ, पहले इसे ही मारता हूँ। तो यार इन भैया को तो मैं बना देता हूँ इनका पेटी, और इनमें हरा धुआं निकल जाता है। और यार जो बंदा नीचे नॉक हुआ पड़ा है वो अपना सारा सामान फेंक देता है, और अब आग देखना उसे कैसे पेला जाएगा। सामने एक भैया चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, इन्हें भी ये नहीं लग रहा था, अबे यार कहाँ की हूँ मैं, क्या हूँ, ऐसा क्यों हूँ मैं जो भाई चलता हुआ आ रहा हूँ, मुझे कोई मारेगा नहीं। अबे ऐसा भाई थोड़ी होता है, जब सामने तुम आ रहे हो बिल्कुल सीना तान के और तुम्हें कोई मारे ही ना, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। तो ये भैया जोश में होश खो बैठे थे, और ये भैया सामान निकाल के अपनी पेटी को और ज़्यादा पक्की कर रहे थे। तो यहाँ पर यार 3x 6x लपेटने के बाद, सारी एमओ लपेटने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ एक सुरक्षित जगह पे, जहाँ पर मैं तोड़ता हूँ बंदों को। तो अब आगे देखना कि क्या होता है। तो यार अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ। तो यार मैं और कहीं नहीं, बहुत ही सुरक्षित जगह पे अटका पड़ा हूँ। तो यार सामने है रेड जोन, और अपने और रेड जोन की कहानी तो ऐसी है, कोई मिले या ना मिले, चाहे कौआ आके आपके घर के ऊपर काँव काँव करने लगे, पर ये भैया हमें तोड़ ही देते हैं चाहे कुछ हो जाए। ये भैया ये भी नहीं देखते कि मैं कब किस टाइम पे तोड़ रहा हूँ। यार इतने किल कर लेता हूँ तब भी मुझे ये बंदा भाई, बंदा नहीं भाई, रेड जोन तोड़ देता है। तो यार मैं भी यार गुस्सा हो जाता हूँ, मैं भी कहता हूँ यार मैं नहीं जाऊँगा यार। और इन भैया को हम डैमेज देते रहते हैं, डैमेज देते रहते हैं, डैमेज देते रहते हैं। तो यार इन्हें डैमेज तो लगता है पर ये नॉक नहीं होते हैं। तो अब आगे देखना कैसे फाइट होगी इनसे। तो यहाँ पर डैमेज देने की पूरी तैयारी चल रही है भाई, डैमेज देने की पूरी तैयारी चल रही है, पूरे डैमेज भी दे रहे हैं, पर ये बंदा भाई नॉक होने में नहीं आ रहा है। तो यार मैं कोशिश करने के बाद एक बंदे को नॉक कर ही देता हूँ, और इतने में जोन चल देता है और मेरी फट जाती है, यार अब तो जोन से ही मर जाऊँगा। और सामने से एक भैया तो पता नहीं चांदनी चौक जा रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, चांदनी चौक जा रहे थे। भाई क्या खाने जा रहे हो यार, चांदनी चौक मेरे लिए भी ले आइयो कुछ खाने के लिए। इतने उससे जा रहे थे भाई, इतनी स्पीड में भाग रहे थे, ये बंदा इतनी स्पीड में भाग रहा था कि कुछ पूछो ही मत, आज के बाद इसे भागने नहीं मिलेगा, इतनी तेज भाग रहा था ये बंदा। यार मैं भी परेशान हो गया, यार किसी स्पीड से भाग रहा है बंदा। तो यार मैं चलता हूँ आगे, मैं देखता हूँ यार सामने, यार वो बंदा पेड़ के पीछे ना हो जो कि हम सीधे आगे बढ़ें और हमारी हरा धुआं निकल जाए। तो यार यहाँ पर थोड़ा सा गेम अटकने के बाद दोबारा से गेम मेरा लैग होता है और सही हो जाता है। तो यार यहाँ पर मैंने कहा चलो यार अब जो होगा देखा जाएगा। तो यार यहाँ पर हमें किल की भी बहुत ज़रूरत थी, तो अब देखना ही क्या होगा। बंदा सामने भाई
पता नहीं कहाँ ही इनविजिबल हो जाता है। ऐसा लगता है पता नहीं ज़मीन निकल गई या बिल्डिंग अपने अंदर संभाल लिया उनने। तो यार मैं इतना घुस जाता हूँ और यहाँ पर देखना कि क्या ही होता है। यहाँ पर यार हम सांप बनने की कोशिश करते हैं जो कि हम बिल्कुल नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर यार हीलिंग के लिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। मैं भी कहता हूँ यार हीलिंग के लिए रुक जाओ वरना पेटी बननी तो निश्चिंत है। तो यार सामने जो बंदे होते हैं जिन्हें मैंने पहले नॉक करा होता है वो रिवाइव हो चुका है। तो यार क्या पता उसके पास स्नाइपर हो और वो मुझे तोड़ दे सामने से। तो यार मुझे पता है मेरे पास लेवल 3 हेलमेट है पर मुझे कोई तोड़ भी सकता है, ये भी मुझे पता है। तो यहाँ पर थोड़ी हीलिंग फीलिंग के बाद मैं जोन दादा को आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये हमारी पावर कम कर रहे थे। तो यार आगे बढ़ने के बाद अब आके आप देखना कि क्या होता है, क्या मैं रेड जोन से बचूंगा, क्या मैं चिकन डिनर ले पाऊंगा, क्या मैं उन बंदों को मारूंगा जो बंदों को मैंने अभी मारा होता है। तो वो देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो अब आगे देखना कि क्या होता है। तो यार आप लोगों की दुआ से आपका भाई बच तो जाता है। तो यार यहाँ पर मैं थोड़ी हीलिंग फीलिंग टेक रहा होता हूँ और सामने बंदे सफ़ेद धुआं करके लूट रहे होते हैं। तो यार यहाँ पर मैं सामने देखता हूँ कि बंदे भाई लूट रहे होते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ यार चलो देख लेते हैं अपने ही भाग जाते हैं। तो यार यहाँ पर एक बंदा नहीं लूट रहा था भाई, 3-3 बंदे लूट रहे थे वही मज़े से। अरे चचा भाई देख तो लो कम से कम, आगे पीछे कोई आया है मेहमान उसकी तरफ नज़र उठा के तो देख लो भाई, ये बंदा लूटने में पेटी। अरे भाई कभी मिल जाएगा, तुझे भी मिल जाएगा कभी ड्रॉप लूटने। और ये बंदे ये देखो कहाँ यार जोन चल चुका है। और यार इस बंदे को मैं सोचता हूँ यार इसे तो एक को नॉक कर ही दूँ। तो यार उन टीम के भाई 2 बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ और अब तीसरे की बारी है। तो अब देखना कि क्या होता है। यहाँ पर भाई कोई बंदा उनमें से एक के बंदे को नॉक कर देता है और उनके 4 बंदों को चित कर देता है। तो अब आगे देखना कि क्या होता है, चिकन डिनर हो पाएगा और आखिरी बंदे को देखते हैं हम कैसे तोड़ते हैं। तो यार यहाँ पर मैं फायरिंग नहीं करता हूँ ताकि कोई सामने देख ना पाए। और सामने से भाई एक बंदा जो दूसरे बंदे को तोड़ रहा होता है। तो अब आगे देखना क्या होता है। ये बंदा भाई इस बंदे को तोड़ दिया होता है इसने और फिर हमने इसे तोड़ दिया। तो यार जिस किसी को भी कमेंट्री और अच्छी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी पबजी वीडियोज आती रहेंगी और मेरी पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियोस देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें।